हेलो पीपल, वेलकम टू अरिस्टल अकेडमी। मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज मैं इस वीडियो में एक फैमिली मोल्डियन शुरू करने वाला हूँ दो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। अब एक मोल्ड डिजाइन एक वीडियो में तो हो नहीं सकता, अगर करने ही बैठा तो 3-4 आवर्स मिनिमम लग जाएंगे, इसलिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। इस फुल मोल्ड डिजाइन की एक सीरीज शुरू करेंगे हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अगर किसी को ये नहीं पता कि फैमिली मोल्ड्स क्या होते हैं तो पहले मैं उसका आंसर दे दूँ। एक ही मोल्ड में हम 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन मोल्ड्स को हम फैमिली मोल्ड कहते हैं। सीरीज़ के पहले पार्ट में हम रीजन एनालिसिस एंड मॉडल अलाइनमेंट करने वाले हैं और मैं NX सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ इस मोल्ड डिज़ाइन के लिए, जो कि बेस्ट डाइज एंड मोल्ड्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मोल्ड डिज़ाइनिंग। NX ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं पहला पार्ट अपना, इन्वर्टर कवर 1 जो मेरे पार्ट का नाम है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम वाइट पे WCS एंड पहले हम एनालिसिस करेंगे इसका। बेस्ट कमांड जो एनालिसिस के लिए है वो मुझे तो यही लगती है, और भी कमांड्स हैं उनपे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब कैलकुलेशन के बाद अनडिफाइंड रीजन में 7 फेसेस आ रहे हैं, मीन्स NX भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कुछ फेसेस पे ड्राफ्ट नहीं है तो उसे किस पे रखें, कोर पे रखें या कैविटी पे रखें। सो देखते हैं कौन से फेसेस हैं वो, इन फेसेस पे हैं तो इनको मैं अपने हिसाब से 4% करना चाह रहा हूँ एंड दिस दिस अप्लाई एंड डिफाइन 0 नेक्स्ट इज एंड 20। हम इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, मूव कर लेते हैं पहले तो मेज़र फ्रॉम 0-0 to टॉप रिवर्स डायरेक्शन। हिस्ट्री ऑफ कर रहा हूँ, मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए इसकी। कंट्रोल टी अगेन इन वाई डायरेक्शन मेज़र वाई डायरेक्शन 0.002 दिस लाइन लाइक दिस। हिस्ट्री ऑफ है फिर से, कंट्रोल टी अगेन, इस बार मैं एनसीटी ऑन करूँगा बिकॉज मैं एक डिस्टेंस दे रहा हूँ लाइक 30 mm लाइक दिस एंड ये पार्ट हो गया 61 को मैं वर्कले बना रहा हूँ अपनी 1 पे ऑलरेडी ये पार्ट है। कैटेगरीज डिलीट कर रहे हैं सारी, हमें नहीं चाहिए सारी कैटेगरीज। अपना सेकेंड पार्ट इम्पोर्ट करते हैं आप, इन्वर्टर कवर 2 इसको भी अलाइनमेंट कर लेते हैं पहले इसकी, या फिर पहले आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो एनालिसिस कर लेते हैं पहले, कंट्रोल शिफ्ट आई इस पार्ट को हाइड कर लेते हैं एंड कैलकुलेट रीजन। अनडिफाइंड रीजन में 2 फेसेस हैं, देखते हैं कौन से हैं, ये फेस है और ये वाला फेस है। दोनों को अगेन मैं कोर पे असाइन कर रहा हूँ एंड अप्लाई ओके। अब अलाइनमेंट पार्ट, कंट्रोल टी डिस्टेंस मेजर की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट भी मूव करा सकते हैं लाइक दिस 0.200 लाइक दिस ओके। कंट्रोल टी डिस्टेंस लाइक दिस, दिस इज 30 एसिटी ऑन कर रहा हूँ ओके। मेरे पुराने वाले पार्ट की हिस्ट्री नहीं बनी है, देखिए मैंने एसिटी ऑन करना भूल गया था मैं, तो दोबारा करते हैं इसको हम कंट्रोल टी, हम मेज़र करेंगे इसको, मूव कराएंगे 30 mm जो हमने करा था, एसिटी ऑफ रखेंगे ओके इन कंट्रोल टी फिर से एसिटी ऑन 30 ओके। तो हिस्ट्री दोनों पार्टों की सेंटर से 30-30 mm की मैंने हिस्ट्री बनाई है ताकि इन फ्यूचर में हम चेंज कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में या मेल करके पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का मेन कोर डिजाइन करने वाले हैं, वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ही प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी हम वीडियो अपलोड करें।
अगर आप कैड डिज़ाइनिंग, सीएनसी प्रोग्रामिंग और एडवांस प्लेनर डिज़ाइनिंग कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।